हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रेडमी A2 फ़ोन में आप लोग कैसे टॉकबैक मोड को ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फ़ोन में जो है टॉकबैक मोड ऑन हो गया है। तो इसको जो मैं आप लोगों के सामने ही इसको ऑफ करके दिखा दूँगा, ठीक है गाइस। तो अगर आपके फ़ोन में भी टॉकबैक मोड ऑन हो गया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दो टिप्स देने वाला होगा इसकी, कैसे आप लोग दो टिप्स को यूज़ करके अपने टॉकबैक मोड को ऑफ कर सकते हो। जो लास्ट वाला टिप्स है गाइस, वो एकदम इजी है, आप लोग एकदम इजी तरीके से टॉकबैक मोड को ऑफ कर सकते हो सिर्फ एक ही क्लिक से, ठीक है गाइस। और जो फास्ट वाला टिप्स है वो आप लोगों को मैं सेटिंग से कैसे ऑफ कर सकते हैं वो मैं बताऊँगा गाइस सबसे पहले, और टॉकबैक मोड ऑन होने से भी आप लोग अपने फ़ोन को कैसे चला सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टॉकबैक मोड ऑन होने से यहाँ पर अपने फ़ोन को आप लोग नहीं चला सकते, आप लोग देख सकते हैं कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है गाइस। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा गाइस कि टॉकबैक मोड ऑन होने के बाद भी आप लोग अपने फ़ोन को कैसे चला सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो अगर मैं ऐप लिस्ट को ओपन करना चाह रहा हूँ लेकिन यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल को लाने के लिए चाह रहा हूँ लेकिन वो भी नहीं आ रहा है, ठीक है गाइस। तो आप लोग कैसे कर सकते हो, अगर आप लोगों को स्वाइप करना है तो आप लोगों को दो उंगली से स्वाइप करना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो उंगली लिया, एक साथ में डिस्प्ले में टच किया और स्वाइप किया, देख सकते हैं आ गया है मेरा ऐप लिस्ट। उसके बाद मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन पैनल भी ला के दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर हम स्वाइप करेंगे दो उंगली से यहाँ पर पैनल आ गया है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर स्वाइप करने के लिए आप लोगों को दो उंगली की ज़रूरत है, और सिलेक्ट कैसे करेंगे गाइज, सिलेक्ट करने के लिए जिस भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर ग्रीन कलर का बॉक्स आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर दो बार क्लिक कर दीजिए ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ऐसे ही गाइज बैक पे क्लिक करने के लिए आप लोगों को सेम वैसे ही करना है, एक बार क्लिक करना है ग्रीन बॉक्स आ जाएगा, उसके बाद दो बार क्लिक कर देना है बैक हो जाएगा, एकदम इजी स्टेप बाई गए है गाइस। लेकिन टॉकबैक मोड को ऑफ कैसे करेंगे गाइस तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग दो उंगली से जो है इसको स्वाइप कर लीजिए, आपका ऐप लिस्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, सेटिंग्स का ऑप्शन होगा गाइस, सेटिंग्स को आप ओपन करना है तो हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो बार लगातार क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर सेटिंग जो है हमारा यहाँ पर ओपन हो गया है। तो अभी हम यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे अपने दो उंगली से, और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एडिशनल सेटिंग्स का, ठीक है गाइस। तो इस पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे ग्रीन बॉक्स आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हम दो बार क्लिक कर देंगे ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेबिलिटी का एक ऑप्शन होगा गाइस, तो यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दो बार क्लिक कर देंगे ये एक्सेबिलिटी का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद देख सकते गाइस यहाँ पर जो सेकेंड वाला ऑप्शन है एक विजन का, तो इस विजन के ऑप्शन पे जो है आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम विजन के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दो बार क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं कभी कभी दो बार क्लिक करने में नहीं आता है गाइस, तो आप लोगों को और ट्राई करना है। तो यहाँ पर मैं और ट्राई करता हूँ, देख सकते हैं अभी आ गया है। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है देख सकते हैं टॉकबैक लिखा हुआ है, तो हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद दो बार क्लिक कर देंगे। तो हमें इस ऑप्शन को ऑफ करना है गाइस, यूज टॉकबैक लिखा हुआ है, तो ऑफ करने के लिए यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद दो बार क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा, स्टॉप पे एक बार क्लिक करेंगे, इसके बाद दो बार क्लिक कर देंगे, और हमारा जो टॉकबैक मोड है वो ऑफ हो गया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने पहला वाला टिप्स बता दिया सेटिंग से, आप लोग एकदम इजी स्टेप्स जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस अभी। तो इसके बताने से पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ गाइस टॉकबैक मोड को, तो मैं यहाँ पर ओके टॉकबैक मोड ऑन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो टॉकबैक मोड फिर से जो है यहाँ पर ऑन हो गया है। तो एकदम ईजी स्टेप है गाइस, आप लोग सिर्फ एक ही क्लिक से अपने टॉकबैक मोड को आप लोग जहाँ से भी ऑफ कर सकते हो, ठीक है गाइस। आप लोगों को इतना मतलब सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का टाइम भी जो है वो भी बच जाएगा। तो एक क्लिक से आप लोग टॉकबैक मोड को अगर ऑन करना चाहो तो कैसे करोगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर साइड में जो हमारा वॉल्यूम डाउन बटन है और वॉल्यूम अप बटन है, ठीक है गाइस, जिससे आप लोग वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हो, दोनों को आप लोगों को एक साथ दबा के रखना है, ठीक है गाइस। ऐसा नहीं कि एक बार क्लिक करके छोड़ दीजिए, दबा के रखना है दोनों को एक साथ। तो मैं यहाँ पर दोनों को एक साथ दबा देता हूँ, देख सकते हैं मैंने दबा दिया है। तो यहाँ पर 3 सेकंड के बाद टॉकबैक मोड ऑफ हो जाएगा, देख सकते हो ऑफ हो गया है, ठीक है गाइस। तो एकदम इजी स्टेप है, ये अपने घर पे भी कर सकते हो आप लोग, ट्राई करके ज़रूर से आप लोग देख लीजिए।
तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Redmi A2 फ़ोन में टॉकबैक मोड को ऑफ कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।